नमस्कार। थोड़े दिन पहले तक भारतीय टेलीविजन पर और अखबारों में और मैगजीन्स में एक विज्ञापन छपता था, वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन था कि मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद कैसे है, और फिर एक खास तरह के वॉशिंग पाउडर से साफ करने पर वो कमीज दूसरे की भी कमीज उतनी ही सफेद हो जाती थी। तो अब ये एक तरह की बहस भारतीय राजनीति में भी चल रही है कि किसके दामन पर कितने छींटे हैं, किसकी पार्टी कितनी परिवारवादी है, किसकी पार्टी में कितने भ्रष्टाचार के आरोपी लोग हैं, ये एक तरह की बहस शुरू हुई है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की दो दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जो विपक्षी गठबंधन है यानी इंडिया ब्लॉक जो है, उसमें परिवारवादी पार्टियों की भरमार है। और एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले अगर हम कहें तो उन्होंने गिन करके बताया कि 7 पार्टियां हैं जो परिवारवादी हैं और अपोजिशन का जो अलायंस है उसमें शामिल है। तो उसके बाद अब ये चर्चा शुरू हुई है कि अब किस में कौन सा गठबंधन ज्यादा परिवारवादी है, किस गठबंधन में ज्यादा परिवारवादी पार्टियां हैं। तो अब इस ये गिनती करें, ये गिनती कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो पार्टियां हैं और उनके नाम हैं, आप देख लें कि किस पार्टी का संचालन कौन सा परिवार कर रहा है, उससे गिनती पूरी हो जाएगी। और उसके लिए कोई दूसरी किसी बहुत गहराई से जाकर के कोई परिभाषा गढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देते समय उसकी जो चर्चा हुई थी उस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक नई परिभाषा गढ़ी और उन्होंने कहा कि जो एक एक परिवार के 5-10 लोगों का राजनीति में होना गलत नहीं है, वो परिवारवाद नहीं होगा। अगर कोई एक परिवार किसी पार्टी का संचालन कर रहा है लंबे समय से या अस्थायी रूप से, कोई एक परिवार किसी पार्टी का संचालन कर रहा है, किसी पार्टी की कमान एक एक व्यक्ति या एक परिवार के हाथ में है, तो उसको परिवारवादी माना जाएगा। और इस परिभाषा पर जो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात भाजपा और नरेंद्र मोदी और उनके पहले भी दूसरे भाजपा के नेता बार बार ये बात कहते रहे हैं और वो परिवारवाद वंशवाद के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते रहे हैं। और ये तो अब राहुल गांधी तो नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी है, 4थी पीढ़ी यानी उनके पिता राजीव गांधी के समय भी आरोप लगते थे और 3री पीढ़ी यानी इंदिरा गांधी के समय भी आरोप लगते थे। जवाहरलाल नेहरू के समय हो सकता है नहीं लगा हो क्योंकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू का निधन आजादी के पहले हो गया था, तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू पर ये न लगे हो, लेकिन उसके बाद 3 पीढ़ियों पर ये आरोप लगते रहे हैं वंशवाद और परिवारवाद के। तो उस लिहाज से जो परिभाषा है, उस परिभाषा के लिहाज से जो एकमात्र परिवारवादी और सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है वो कांग्रेस है। तो अब इसी परिभाषा को हम एक मानक बनाते हैं, एक पैमाना बनाते हैं और इसके आधार पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गठबंधन ज्यादा परिवारवादी पार्टियों का है। अब इसी परिभाषा पर अगर कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में कांग्रेस केंद्रीय ताकत है यानी जो इंडिया ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसमें सचमुच कई पार्टियां हैं। इन्होंने अमित शाह की गिनती में तो 7 ही थी, लेकिन 8-9 तो ऐसे ध्यान आ जाएंगे, आप गिनती करिएगा तो 8-9 पार्टियां तो ऐसी ध्यान में आ जाएंगी। जिसमें शुरुआत करें तो कांग्रेस का जो नेहरू गांधी परिवार के की कमान वाली उसके संचालन वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, उनकी 5वीं पीढ़ी, नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी उस पार्टी का संचालन कर रही है, तो कांग्रेस तो है ही। उसके अलावा राज्यवार देखें तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी पार्टी है, उस गठबंधन का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व अब लालू यादव के परिवार की दूसरी पीढ़ी के हाथ में, यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब उस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। जो तीसरी पार्टी है इंडिया ब्लॉक की, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले, जो पड़ोस के बिहार के पड़ोस में झारखंड का है, जहां वहां भी शिबू सोरेन के परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी हेमंत सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल रहे हैं, वो उसके लीडर हैं। तमिलनाडु में वहां डीएमके सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की और करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब सक्रिय हो गई है, हालांकि कमान अभी दूसरी पीढ़ी के हाथ में है, एमके स्टालिन के हाथ में है, लेकिन उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी अब सक्रिय हैं राजनीति में और वो कमान संभाल रहे हैं। इसी तरह से एनसीपी का नाम ले सकते हैं जो सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र की है और शरद पवार की पार्टी है, हालांकि अभी इस कमान शरद पवार के ही हाथ में है, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले उनकी उत्तराधिकारी हो गई हैं, जिनको उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, बना दिया है एनसीपी का, तो कह सकते हैं कि उनकी दूसरी पीढ़ी ने अब वहां कमान संभाल ली है। इसी तरह से कश्मीर की जो दो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उन दोनों की
जो सहयोगी पार्टियां हैं उन दोनों, वो दोनों भी जो है उनकी भी दूसरी पीढ़ी राजनीति संभाल रही है और वो भी विपक्षी गठबंधन में शामिल है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां समाजवादी पार्टी है जिसकी स्थापना मुलायम सिंह ने की थी और अब उनकी दूसरी पीढ़ी उस पार्टी को संभाल रही है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव भी हैं, उनके एक चाचा रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूरा परिवार ही लगभग राजनीति में सक्रिय है, एमपी है या एमएलए है या एमपी एमएलए का चुनाव लड़के हारा हुआ है। तो ये पार्टियां हैं जो अभी अलायंस का हिस्सा है। अब इसमें शिवसेना का भी नाम ले सकते हैं जिसकी जो अभी ताजा ताजा उस अलायंस में शामिल हुआ है, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, वो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो तृणमूल कांग्रेस को भी इसमें जोड़ सकते हैं जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं। अभी उन्होंने हालांकि अपने भतीजे को कमान नहीं सौंपी है लेकिन लगभग घोषित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी हैं, अभी उनके हाथ में कमान नहीं है। तो ये तमाम ये 9-10 पार्टियां हैं जो अपोजिशन के अलायंस में हैं और परिवारवादी अगर उस परिभाषा पर उस कसौटी पर कसें जो प्रधानमंत्री ने तय की है तो ये 9-10 पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टी हैं और अपोजिशन के अलायंस में। अब इसके बरक्स अगर जो एनडीए को देखें, जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, जो इस परिभाषा पर, उस परिभाषा को छोड़ दें परिवारवाद मानने की, मतलब एक ही परिवार के कई कई लोग अगर सक्रिय राजनीति में है, तो वैसे तो नेताओं की पूरी लंबी चौड़ी सूची है जो भारतीय जनता पार्टी में है जिनके बेटे पोते अब एमपी एमएलए हैं, लेकिन उसको खारिज कर दिया, उसको प्रधानमंत्री ने हटा दिया है, तो उसको छोड़ते हैं, सिर्फ उस कसौटी पर देखते हैं कि वैसी पार्टियां जिनका संचालन एक परिवार कर रहा है, वैसी कितनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है उसमें भी ऐसी अनगिनत पार्टियां हैं जो जिसका संचालन किसी न किसी परिवार के हाथ में है। जैसे अगर बिहार से शुरू करें, जब कांग्रेस अलायंस की बात भी बिहार से शुरू की थी, तो उस तरह से एनडीए भी अलायंस की अगर बात बिहार से शुरू करें तो वहां भाजपा की सहयोगी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे भाजपा के सहयोगी हैं जिनकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी, अब उनका निधन हो गया है लेकिन उनके बेटे और भाई दो अलग अलग पार्टियां चलाते हैं, उसी से निकली हुई पार्टी है। एक की कमान जिसका नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, वो लोक जनता पार्टी है, उसके नेता पशुपति पारस है, और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके नेता चिराग पासवान है, दोनों लोग एनडीए में। ऐसी बिहार की ही एक तीसरी पार्टी है जीतन राम मांझी की पार्टी है जिसकी स्थापना जीतन राम मांझी ने की है और पूरा परिवार ही उस राजनीति का उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बेटे विधायक हैं, उनके एक समधी विधायक है, तो ये पूरा परिवार ही उस पार्टी को, पूरा परिवार ही पार्टी है, एक आध आदमी ही कोई बाहर का है, तो वो भी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। अगर पड़ोस में उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां भी कई पार्टियां हैं जो परिवारवाद की उस परिभाषा की कसौटी पर खरा उतरती हैं, जैसे संजय निषाद की पार्टी है निषाद पार्टी, जिसके संजय निषाद के बेटे वो अपने खुद विधायक हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसी तरह से वहां एक सोनेलाल पटेल की बनाई पार्टी है अपना दल, उसकी नेता है अनुप्रिया पटेल, उसके भी दो धड़े हो गए हैं, एक खेमे का नेतृत्व तो कृष्णा पटेल करती हैं लेकिन वो अपोजिशन में है, और एक खेमे का नेतृत्व तो अनुप्रिया पटेल करती हैं जो अभी एनडीए के साथ है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब अभी एक आध और पार्टियां आ सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, अभी शामिल नहीं हुई है लेकिन उसका जिक्र कर सकते हैं क्योंकि वो एकदम ऑब्वियस है उसका शामिल होना, वो राष्ट्रीय लोकदल है। वहां चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी अब उस पार्टी को संभाल रही है, चौधरी चरण सिंह की के बेटे अजीत सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था, चौधरी चरण सिंह की पार्टी का तो लोकदल नाम था लेकिन उसी से मिलता जुलता चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल बनाया जिसके अब उस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं जयंत चौधरी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका बीजेपी के साथ जाना है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की तीसरी चौथी पीढ़ी अब जिस पार्टी को संभाल रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया था, वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता थे और दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के। उनके पोते हैं दुष्यंत चौटाला जिन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई है और वो उस पार्टी के नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए में हैं और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। हमने अपोजिशन के अलायंस में एक पार्टी का जिक्र किया था महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी का, शरद पवार की पार्टी तो अपोजिशन में है, अपोजिशन अलायंस में है लेकिन उनके भतीजे यानी उनकी दूसरी पीढ़ी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अजीत पवार, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है महाराष्ट्र की सरकार में।
इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने एच डी देवगौड़ा की पार्टी के साथ तालमेल किया है, जनता दल एस उनकी पार्टी का नाम है, और वो अब उसमें भी तीसरी पीढ़ी सक्रिय हो गई है। उनके एच डी देवगौड़ा के दो बेटे हैं, एच डी कुमार स्वामी और एच डी रेवन्ना, इन दोनों के बेटे, एच डी रेवन्ना के बेटे प्रज्वाल रेवन्ना एमपी हैं, लोकसभा में हैं, और एच डी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं सके थे। तो एक तरह से तीसरी पीढ़ी, उनकी पार्टी भी पूरा परिवार ही पार्टी है, उनकी पार्टी में उनके बेटे, बहू, उनके पोते और दूसरे रिश्तेदार ही चुनाव लड़ते रहते हैं, एक आध लोग ही इधर उधर के हैं, पूरी पार्टी ही परिवार की है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। शिवसेना भी पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, तो अभी उसका जिक्र, वो दूसरी तरफ उसका जिक्र किया जा चुका है। इस तरह की कई और पार्टियां छोटी छोटी देखेंगे तो वो ऐसी पार्टियां हैं जो किसी न किसी परिवार या किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी कमान है, और एनडीए ने उसके साथ तालमेल किया। उसने 38 पार्टियों को एक सम्मेलन करके दिखाया था भाजपा ने कि ये 38 पार्टियां उसके साथ हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो थोड़े दिन में दो और पार्टियां उसमें एनडीए में जुड़ जाएंगी। एक एनटी रामाराव की बनाई पार्टी टीडीपी है, जिसका नेतृत्व उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू करते हैं, वो एनडीए में शामिल हो सकती है। और दो भाई जो अपने अलग अलग पार्टी बना करके दोनों ने राजनीति की, चिरंजीवी और पवन कल्याण, उनकी पार्टी भी है कल्याण जनसेना, वो जनसेना पार्टी, वो शामिल हो सकती है एनडीए में। तो ये इस तरह से और भी पार्टियां, अभी छोटी छोटी पार्टियों को देखेंगे तो और भी कई निकल जाएंगी जो किसी न किसी परिवार के कंट्रोल में है। तो इस तरह से गिनती करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कमान किसी न किसी परिवार के हाथ में है, जिनका संचालन कोई ना कोई परिवार करता है, उस कसौटी पर भी वो परिवारवादी पार्टियां हैं। अब ये तो होता रहता है, अब राजनीति में इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की चीजें, इनका कोई बड़ा वो मतलब नहीं होता है। नेता कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें कोई, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो परिवारवादी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। अब ये बात तो उन्होंने कही होगी कांग्रेस के संदर्भ में, क्योंकि कांग्रेस को समाप्त करना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना एक बीजेपी का सपना है, उसकी योजना है, रणनीति है, या कांग्रेस के साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जिनके साथ तोड़फोड़ हो रही है, जिनके नेता पकड़ करके जेल में डाले जा रहे हैं, हो सकता है कि उनको उनको निशाना बनाया हो उन्होंने। लेकिन अब इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी वैसे एक दर्जन जो पार्टियां हैं परिवारवादी जो बीजेपी के साथ है, जिनकी कमान किसी न किसी ऐसे परिवार के हाथ में है, और पहली दूसरी या तीसरी पीढ़ी जिनका नेतृत्व संभाल रही है, वो नेता क्या सोचते हुए होंगे? उनको क्या, उनके मन में भी ये शंका पैदा हुई होगी कि अगली बार अगर भाजपा जीत के आती है तो उनका वजूद समाप्त हो जाएगा, उनको मर्ज कर लिया जाएगा, उनका विलय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी? ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई सोच उनके मन में आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी तो क्या तब भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी उनको दिख रहा है कि अभी अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। यह बहुत दिलचस्प स्थिति है और इसको देखना होगा कि अगले साल मई जून के बाद राजनीति, अगले साल नहीं माफ करिएगा, इस साल मई जून के बाद राजनीति किस दिशा में बढ़ती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है जैसा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, जीतने का क्या, 370 सीट हासिल करने का दावा कर रहे हैं, उसके बाद जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो जिनका जिनकी कमान किसी न किसी परिवार के हाथ में है, उनका क्या हश्र होता है, उनके नेताओं की क्या स्थिति रहती है, पार्टी बचती है या नहीं बचती है? धन्यवाद।